नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल यूनिक स्मार्ट एजुकेशन पर आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके जो भी कमेंट आए हैं उसको मैंने कलेक्ट कर और जो महत्वपूर्ण कमेंट है, जिस तरह की आपको समस्या आ रही है इन दिनों में, वो आपकी सभी समस्याओं को मैंने इंक्लूड किया है, जिससे आपकी भी जो जैसी भी समस्या हो उसकी समाधान मिल जाएगा इस वीडियो में। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्र, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक अवश्य देखिए। तो सबसे पहले कमेंट आया है कि सर, फीस देने के बाद भी अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन नहीं आया। तो मैं आपको बता देता हूँ, फीस देने के बाद में आपको 22,000 फीस दे दी आपकी हो गई, और उसके बाद में क्या होगा, कॉलेज की ओर से कंफर्मेशन लेटर आएगा, उसके बाद में ही आपका अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो उसके बाद में ही आप क्या है, अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हो, इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा होगा कि कॉलेज वाले हैं वो, कुछ कॉलेज वाले हैं देरी कर देते हैं, इस कारण आपको वो ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। डेफिनेट आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, घबराएं नहीं, टेंशन ना लीजिए। नेक्स्ट कमेंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमेंट लिखा है, अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन ही नहीं है सर, व्हाट वी डू। तो इस तरह के कमेंट मेरे पास लगभग 20 से 25 आए हैं। तो अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन मैं आपको पहले ही बता दिया है अभी कि अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन आपको तब दिखाई देगा जब आप 22,000 का चलान जमा करवा दोगे और आप कॉलेज की तरफ से कंफर्मेशन लेटर आपको मिल जाएगा, उसके बाद में ही आपका वो अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। ओके, आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट है कि सर, सेकेंड चॉइस मिली है, फर्स्ट चॉइस चाहिए थी, वो अपवर्ड मूवमेंट करा लूँ, ऐसा तो नहीं होगा कि जो मिला है कॉलेज वो हाथ ही से ही चला जाए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा मित्रों नहीं होगा। जो आपको अपवर्ड मूवमेंट के कॉलेज मिला है वो आपके ही पास रहेगा, जो आपको कहीं भी नहीं जाएगा। अगर आपको अपवर्ड मूवमेंट में जो आपको फर्स्ट कॉलेज मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आप जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, ये ऑनलाइन ही होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो आपको कॉलेज मिला है वो आपके ही पास रहेगा, वो कहीं पर भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट कमेंट हम देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है, सर मैंने जो कॉलेज चूज़ नहीं किया था वो मुझे वो मिला है मुझे, प्लीज़ मुझे बताइए मैं क्या करूं अब। तो आपको जो कॉलेज मिला है वो जो आपने चूज़ किया है वही कॉलेज आपको मिला है, क्यों, राजस्थान सेलेक्ट किया होगा या फिर आपने जो ज़िले चुने होंगे उसमें से ही आपको ये कॉलेज मिले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट कमेंट है, कॉलेज में जाकर भी रिपोर्टिंग करवानी होगी या फिर सब काम ई मित्र से हो जाएगा, मतलब सब काम ई मित्र वाला कर देगा या फिर 24 तारीख से पहले कॉलेज में भी जाना होगा। तो आपको है वो रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज में नहीं जाना होगा, रिपोर्टिंग ऑनलाइन होगी, आपको पता चल गया होगा कि रिपोर्टिंग है वो ऑनलाइन ही होगी। जब तक कि सरकार के निर्देश नहीं आ जाते कि कॉलेज या स्कूल कब खुलेंगे, तब तक आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है, जो भी कार्य होंगे वो सभी कार्य ऑनलाइन ही करवाए जाएंगे। इसने लिखा है कि सर, अपवर्ड मूवमेंट करने के बाद समझ लो मुझे वो कॉलेज नहीं चाहिए, तो मैं पहले वाली कॉलेज में एडमिशन तो ले सकता हूँ या नहीं। तो इसका आंसर होगा नहीं, आप पहले वाले कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते अगर आपने अपवर्ड मूवमेंट करवा लिया, तो आपको पहले वाली कॉलेज छोड़नी पड़ेगी और दूसरी कॉलेज है जो जिसमें आपने अपवर्ड मूवमेंट का आया है वो आपको मिलेगी। तो ऐसा नहीं होता है कि आपको जो अपवर्ड मूवमेंट के बाद भी आपको वही कॉलेज मिल जाए, अपवर्ड मूवमेंट में जो कॉलेज मिली है वही आपको लेनी होगी, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है, अपवर्ड मूवमेंट से कॉलेज नहीं मिला, तो अगर आपको अपवर्ड मूवमेंट से कॉलेज नहीं मिला है तो आपको जो पहले कॉलेज मिला है वो आपको रहेगा आपके पास, आप कहीं पर भागकर नहीं जाएगा, वो आपके पास रहेगा, तो आप उसमें अपना एडमिशन रहेगा, वो आपका कटेगा नहीं। तो आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट है कि ऑल ओवर राजस्थान चूज करने के बाद कॉलेज चेंज करवा सकते हैं कि नहीं। हाँ, करवा सकते हैं अपवर्ड मूवमेंट के द्वारा, और राजस्थान को सिलेक्ट करने के बाद भी आप करवा सकते हैं, डेफिनेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, सर नमस्कार, सर माना कि मुझे 15 नंबर का कॉलेज मिला है, अगर मैं अपवर्ड मूवमेंट करवाता हूं तो ऊपर के कितने महाविद्यालय का चयन कर सकता हूं। सर दूसरी बात की इसे कैसे पता चलेगा कि किस महाविद्यालय में कितनी सीट है, प्लीज़ बताइए सर, अगर हो सके तो वीडियो भी बनाइए। अगर आपने 15 कॉलेज सेलेक्ट किए हैं, तो आप 15 से ऊपर कितने रह गए, 14, तो 14 कॉलेज में से आपको अपवर्ड मूवमेंट के द्वारा किसी भी कॉलेज में सिलेक्शन हो सकता है, आपको मिल सकता है अगर आप अपवर्ड मूवमेंट करवाते हों। दूसरी बात कि कैसे पता चलेगा कि कितनी सीट खाली है, तो इसके द्वारा लिस्ट जारी
कर दी जाएगी या फिर अगर नहीं कर दी जाएगी तो आपको जैसे ही खाली होगी वो ऑटोमेटिक है, जिसमें खाली होगी उसमें आपका एडमिशन चला जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि विभाग ने जारी नहीं की है तो क्या है, आपको जितने भी खाली सीट है ऊपर की जो जिसमें से आपके 14 कॉलेज में से जिसमें मेरिट कम रह रही है, आपकी जितनी रह रही है आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट कमेंट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमेंट है कि सर EWS 326 मैथ कॉलेज मिल जाएगा, प्लीज़ सर रिप्लाई मी, और EWS में छात्रवृत्ति नहीं मिलती है क्या, प्लीज़ सर रिप्लाई मी। तो मैं आपको बता देता हूं मित्र, EWS में कोई भी छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, वो भी कंडीशन होती है जो मिलती है, वो भी अनेक कंडीशन होती है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो छात्रवृत्ति वाला आप वीडियो देख लीजिए, आज सुबह का ही वीडियो अपलोड किया हुआ है। और आपके कॉलेज है वो डेफिनेट मिल जाएगा 326 में ही। इस तरह के बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि क्या मुझे सर कॉलेज मिल जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको कॉलेज जिसके भी 350 से 60 नंबर है उसका फर्स्ट राउंड में ही उसका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वो कैटेगरी किसी तरह की हो। जिसके जैसे ST SC है उससे कम भी हो जाएगा, जैसे 340 में भी हो सकता है, 320 में भी, 30 में भी वालों का भी फर्स्ट में हो सकता है, लेकिन जिसके भी लगभग 350 हैं 360 है उसका सिलेक्शन है वो फर्स्ट राउंड में ही हो जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा। और छात्रवृत्ति का जहाँ तक सवाल है मैंने वीडियो बना दिया, आप देख सकते हैं, और लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिए कि किस तरह से छात्रवृत्ति मिलती है, किस तरह से नहीं मिलती है। नेक्स्ट कमेंट है, देख लेते हैं। सर जी मेरी कॉलेज दूर है, मैं चेंज करवाना चाहता हूँ, कैसे करूँ? तो आप यदि चेंज करवाना चाहते हैं तो अपवर्ड मूवमेंट के द्वारा ही एक ही ऑप्शन होता है कि अपवर्ड मूवमेंट से आप अपना कॉलेज चेंज करवा सकते हैं। इस तरह की आपको समस्या आ रही थी जिसके कारण मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। यदि आपकी कोई और भी समस्या हो तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से आप हमें से ज्वाइन कर सकते हैं, और स्पेशल जो बंदे जिसके बहुत अधिक समस्या हो वो मुझे इंस्टा पर फॉलो कर वो मुझे वहाँ पर मैसेज कर दीजिए, मैं उसको रिप्लाई दे दूँगा। और नॉर्मल पर्सन हो तो वो कमेंट बॉक्स में ही करने की कोशिश कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई फ्रेश, ताज़ा और बिंदास।